अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिव सर, हाथ दीजिए अपना, इधर आइए बैठिए। शिव सर, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों में आपस में झगड़ा हो गया? वो लोग तो दोस्त है ना आपके? छोड़ो मुझे। आजकल मैं आपसे कुछ भी पूछती हूँ, आप किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आज जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे मजबूर किया उसके साथ डांस करने को, और वो कब? क्या क्या बोल रहे हैं आप? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इन लोगों को एक मौका चाहिए अपना असली रंग दिखाने के लिए। तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था। I'm really sorry अगर आपको मेरा चाची जी के साथ डांस करवाना आपको जबरदस्ती लगा हो। और उसके बाद क्या हुआ? अब इतना क्या सोच रहे हैं? लोगों का काम है बातें करना, और वैसे भी चाची यंग है, अच्छी दिखती है, इसलिए लोग बातें बना रहे, पर क्या फर्क पड़ता है? चाची, चाची, चाची! जब से वो आई है उसकी तारीफों के फुल बात ही रहती। चाची ऐसी है, चाची प्यारी है, चाची वैसी है। चाची क्या हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, आप बस गलत सोच रहे हैं। गुस्सा शांत कीजिए, इधर आइए बैठिए यहाँ पर। शुभ सर, आपका आपके दोस्तों के साथ झगड़ा क्यों गया? क्या बात हो गई? झगड़ा क्यों हुआ? वो मेरे दोस्त नहीं है। पर उस दिन तो आपने कहा था कि एक बार कोई आपसे प्यार से बात कर ले तो आपका दोस्त नहीं हो जाता। और उन लोगों ने क्या बोला इसका फर्क नहीं पड़ता। शुभ सर, काफी रात हो गई है, चलिए सोने चलते हैं। तुम जाओ, मुझे नहीं आना, मुझे खुद तेरा अकेला रहना है। जो हुआ उसे भूल जाइए। मैंने कहा ना, चाय से जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊंगा। शगुन, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? और शुभ का है? देखो, मैं तुम्हारे उम्र की, इसीलिए तुम्हें समझ सकती हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिश्ते के मायने जितने हैं, मेरे लिए ये उससे कहीं बढ़कर। और तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो बताओ मुझे क्या हुआ। वो आज जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से शुभ से काफी परेशान है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं। मैं अभी उन्हें छत से बुलाने गई थी, पर वो नीचे आना ही नहीं चाहते अभी। आज जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन तुम्हें झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से ना जाने के शुभ से बहुत परेशान है। मैंने काफी पूछने की कोशिश की, पर
आपको कुछ बताना नहीं चाहते। शगुन, आदमी औरतों के मुकाबले थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें शुभ को थोड़ा सा अपना वक्त देना चाहिए, थोड़ा सोचने समझने के बाद वो खुद ही तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। और तुम हो ही इतनी प्यारी, वो अपनी पत्नी से इतनी देर नाराज नहीं रह सकेंगे। थक गई होंगी, जाके सो जाओ। ठीक है, और थैंक यू। आप भी सो जाइए जी, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। अब आएगा खेल में असली मजा। रुको, जरा अपना हाथ दिखाना। तुमने चोरी की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी घड़ी पहनने की? मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे शुभ तुमसे इंप्रेस हो जाएगा और तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके। मैं शुभ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस तरह बेवजह शगुन के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तो अनजान है, कुछ जानती भी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई हो, कभी भी कोई भी दूरी आए, लेकिन फिर भी मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। क्या बेहूदगी है? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ अशोक? मैंने क्या किया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और हमेशा करते रहो। मुझसे इस तरह से दूर जाने से तुम्हारे दिल का मेरे लिए धड़कना नहीं बंद होगा। हमारी सच्चाई नहीं बदलेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच सच बोलो, सच बताओ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। क्या तुम मुझे पहले की तरह याद नहीं करते हो? देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुन रहा, हम दोनों के बीच में जो कुछ था वो बीत चुका है। अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता और इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बातें बनाने से दिल का मलाल जरूर कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं बदल। अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोल के सुन लो। और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।